हेलो एवरीवन, आज की इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बीसी सखी शपथ पत्र। शपथ नोटरी पत्र हुआ जारी और किसका हो रहा है, ये सारी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइव विद प्रूफ के साथ। यहां पर मैंने थंबनेल पर लगा रखी है थोड़ी सी, आपको दिख रहा होगा रेड कलर में मैंने एरो भी सेट किया है ताकि आप समझ सकें कि इस वीडियो में बात क्या होने वाली है। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में यही बात होगी, शपथ नोटरी कैसे, क्या है और क्यों शपथ नोटरी बन रहा है, क्या आपकी ज्वाइनिंग होने लगी है, बिल्कुल सारी बातें आपको क्लियर करने वाला हूं। ज्वाइनिंग तो शुरू है, बिल्कुल सही है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि भैया यहां पर वही न्यूज मिलती है जो सही और सॉलिड होती है। सो भीमा चित्रा की पहचान सही और सॉलिड गया। तो सबसे पहले इस ट्रिकी नंबर वन चैनल पर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी यूट्यूब के परिवार हैं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, या फिर यह कह सकते हैं कि सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतना स्नेह और प्यार दिया है कि मुझे यूट्यूब की तरफ से काफी सपोर्ट मिल रहा है। आई थिंक मैंने एक पोस्ट जारी किया था कल, और उस पोस्ट में यह था कि मुझे एक होता है मैच टूल, यूट्यूब की तरफ से मिलता है। अगर कोई चैनल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सही कर रहा है, तो उसको दे दिया जाता है। और उसमें यह होता है बंधु कि अगर आपके वीडियो को कोई कॉपीराइट कर रहा है, कोई चुरा रहा है, तो आप उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, उसका चैनल बंद करवा सकते हैं। ये अथॉरिटी आपके ट्रिकी नंबर वन चैनल को मिल चुकी है, कल ही मिली थी। और मैं बता दूं, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मैंने इसके पहले भी देखा था कि जो मुझसे बड़े क्रिएटर हैं यार, और ऑलरेडी मुझसे पहले से काम करते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियो कॉपी की है। लेकिन मुझे अंदर से एक फीलिंग्स आती है, इतना मैं खुश होता हूं कि चलिए मेरे में इतनी क्वालिटी है कि लोग मेरा कॉपी कर रहे हैं। मैं किसी को कभी कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, आप बिंदास मेरी वीडियो कॉपी कर सकते हैं, नो टेंशन। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे बताए हुए चीज को कॉपी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर बोल दूं, जितने मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, उनका इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है, वो इतनी जानकारी मुझे देते हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। तो चलिए, ये भी किसी सब्सक्राइबर की ही तरफ से है, बिल्कुल आपके साथ साझा करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। अगर आपके पास ऐसी सारी प्रक्रिया हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8216944826 पर हमें भेज सकते हैं। बहुत सारा स्नेह और प्यार हमारी तरफ से, भीमा चित्रा की तरफ से, अपने यूट्यूब के सभी परिवार को, जो आप लोगों ने इतना स्नेह और प्यार दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है, तो बिल्कुल पूरा वॉच करिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक आप लोग नहीं करते हैं। किसी किसी वीडियो पर इतना ज्यादा लाइक होता है कि दिल इतना, मतलब इतना कूद के ऊपर आ जाता है, इतना खुश हो जाता है कि आपको मैं कितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। लेकिन किसी किसी वीडियो पर यार इतनी मेहनत करके बनाता हूं, कुछ भी लाइक नहीं होता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है यार, एक लाइक तो कर दिया करिए। आई थिंक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बातें ज्यादा हो गई, फिलहाल बात करते रहेंगे, अब आते हैं मुद्दे पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपनी चैनल ट्रिकी नंबर वन पर। सो गाइस, जैसा कि हमने बात किया था इस वीडियो में आपको शपथ पत्र के बारे में, तो ये शपथ पत्र क्या है, किसका लिया जा रहा है और कैसे भरा जा रहा है, पूरा भरा भरान आपको इस वीडियो के एंड तक मैं दिखाने वाला हूं। इसमें आपको यही लिखा गया है, यहां पर देख सकते हैं, मेरा नाम, अपना नाम, आधार कार्ड, निवासी, ये सब भर के लिखना है। और सबसे बड़ी चीज बता दूं, ये जो आपका शपथ है ये आपके बरेली का है, ठीक है, तो बरेली डिस्ट्रिक्ट का है। और यहां पर देख सकते हैं सब कुछ आपको अपना भरना है और शपथ में क्या कहना, यहां पर देख सकते हैं मशीन पूरी तरह से पैक है। अगर मशीन में कोई भी टूट फूट या फिर परेशानी अभी मेरे स्वयं द्वारा खोलने के पर मुझे लगती है तो इसी समय मैं इसे नहीं लूंगी, अगर सब कुछ सही है तो ही मैं इस मशीन को लूंगी। कहने का मतलब, जो आपको मशीन दिया जाएगा पोस मशीन, अगर वो खराब है तो वो आपको नहीं लेना है, सही होगा तभी लेना है, यहाँ पर लिखा गया है। चौथे कॉलम में है, यह शपथ करती के मशीन के एक बिल एक साल की गारंटी है, ठीक है, सब मुझे सही सलामत मिल गया तो मैं कोई भी शिकायत यानी कि कोई भी बकाया नहीं है, मशीन में सभी सामान पूरी तरह से सुरक्षित है, सही सलामत है। कहने का मतलब, जब आप मशीन ले लेंगे तो उसे देखने के बाद आपको ये फील करना है। पांचवा देखते हैं, आज के बाद इस मशीन में सब जिम्मेदारी स्वयं मेरी होगी, मतलब जब आप मशीन खरीद लेंगे उसके बाद उसकी जिम्मेदारी आपकी पूरी होगी। अगर आज काम चालू होने के बाद मशीन में कोई दिक्कत आती है तो उसकी
जिम्मेदारी मेरी होगी, ये इस शपथ प्रमाण पत्र में लिखना है। अब सबसे बड़ी चीज आती है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद फाइनली कैसे कैसे फील करना है, क्या नोटरी लगा है, क्या बयान हल्फी है, सब कुछ मैं वीडियो के एंड तक प्रोवाइड करने वाला हूँ। पूरा संलग्न है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी पढ़ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज, मैं थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप इन ब्यौरों को पूरा खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने में यार ज़्यादा लंबा हो जाता है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि कम से कम वीडियो बने। इस मशीन का काम चालू होने के बाद रोजाना कम से कम 5 आवर्स एक्टिव जरूर करूंगी और करती हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी होगी मैं उस काम को अच्छे से करूंगी। यहाँ पर लिखा गया है 365 दिन काम करूंगी और किसी भी दिन काम नहीं कर पाने में असमर्थ लूंगी तो कम से कम 2 दिन पहले प्रार्थना पत्र लिखकर जो है बैंक को इन्फॉर्मेशन दूंगी। कहने का मतलब आप छुट्टी नहीं लोगे, आप काम करोगे डेली, घर पे रह के ही काम करना है, ये चीज़ के बारे में है। और यहाँ पर आपको सब कुछ यही कुल लिखा गया है और इसको आप भैया आप पढ़ लीजिएगा और ये सब लिख के आपको अपना सिग्नेचर और मोहर करना है। हाँ, इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं मुझे मंजूर है। ये हो गई शपथ प्रमाण पत्र की बात। चलिए अब आपको आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं जो आपको कैसे कैसे हुआ है लाइव, वो चीज़ कैसे नोटरी लगी है, सब कुछ आपको दिखा देते हैं गाइज। तो पहला नोटरी रहा ये आपके यहाँ पर देख सकते हैं 28/6/2021 की समूह की मीटिंग का है और इसमें प्रमाणित किया गया है कि समूह के कोषाध्यक्ष श्रीमती मीरा देवी वाइफ ऑफ राकेश कुमार का चयन जो है ग्राम पद के लिए हुआ है और यहाँ पर बैंकिंग संचालन हेतु यूपी बीसी सखी के पद पर हुआ है। इस कार्य के लिए सरकार समूह के खाते से इस खाता संख्या में 75,000 रुपये डिवाइस खरीदने एवं ODAC संचालन हेतु भेजे गए हैं। इस धनराशि को मीरा देवी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा नवाबगंज में संचालित बचत खाता इस संख्या में धनराशि को हस्तांतरित करने के लिए समूह के सभी सदस्य सहमत हुए। तो यानी जो आपका पैसा निकल रहा है उस पैसे के लिए समूह के सभी सदस्य सहमत होंगे। ये देखिए यहाँ पर सभी के सिग्नेचर हैं, जो अंगूठा लगाने वाले हैं अंगूठा लगाए हैं। ये हो गया आपका पहला प्रमाण। चलिए और भी आगे कुछ दिखाते हैं। ये आपका रहा घोषणा पत्र। यहाँ पर आपका नाम एड्रेस पोस्ट सब कुछ लिखा रहेगा और इसमें यही लिखा गया है कि स्वेच्छापूर्वक घोषणा करती हूँ कि मुझे, ठीक है, मेरे लोकेशन पर यानी कि जहाँ पर मेरा गांव है, बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस करेस्पॉन्डिंग सखी बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार है। यह है कि बीसी सखी के रूप में काम करते हुए जो भी राशि SHC के खाते में आई हुई है उसका हस्तांतरण केवल और केवल बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही की जाएगी और इस खाते का ना तो मैं नगद राशि निकालूंगी और ना ही इस राशि का निजी कार्य में उपयोग करूंगी। ये यहाँ पर घोषणा लिखा गया है। ये घोषणा आप इसको भी देख लीजिए जो कि मैंने स्क्रीन पर लगाया था, उस चीज को भी यहां पर देख लीजिए। ब्रांच नवाबगंज सिटी बरेली, ठीक है, 75,000 सरकार द्वारा बीसी सखी के काम शुरू करने के लिए प्राप्त हुए हैं जिसमें 31,190 रुपए का उपयोग केवल बैंक के उपकरण, ठीक है, सेफ सॉल्यूशन के माध्यम से किया जाएगा और यहां पर 43,810 रुपए FTOD के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यहां पर लिखा गया है कि शपथकर्ता 75,000 रुपए में कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। जैसे ये सब नोटिफिकेशन इसलिए है गाइस, इसलिए शपथ लिवाया जा रहा है, जैसे आपने 75,000 ले लिया और आपने बीसी सखी का काम ही नहीं शुरू किया, आपने शॉपिंग कर लिया, आपने गहना खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, तो आपने पैसे नाजायज खर्च कर दिए। सरकार का उद्देश्य है कि हम जिसके लिए आपको पैसा दे रहे हैं उस कार्य को आप करें, आप अपने रोजी रोटी में व्यस्त हों, 2 पैसे कमाएं, ये सरकार की उद्देश्य है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, इसी वजह से आप लोगों से शपथ लिलवाया जा रहा है कि भैया आप गलत काम नहीं करोगे, अगर करोगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे और आपको पूरा पैसा भरना होगा। शपथ के सत्यापन में विनीत गोयल ने व्यवहार बहुत अच्छा है और शपथकर्ता में, तो ये सब आपके इतने बयानबाजी है, पढ़ते पढ़ते मेरा थोड़ा सा सर चकरा यार। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको आराम से
पढ़ लीजिएगा। बस मामला यही है कि आप गलत उपयोग ना करें और सरकार ने इसी वजह से इतना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सिस्टम लगाया है। हस्ताक्षर में ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका वेरिफिकेशन होगा और आपको पैसे मिल जाएंगे और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करूँगा कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी कुछ डाउट्स है, कुछ और जानना चाहते हैं इससे भी बेहतर, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 2961944826 पर हमसे कॉन्टेक्ट जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल भीमा चित्रा पर जुड़कर वहाँ पर भी हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में भीमा चित्रा नाम से इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।